आपके साथ मैं हूं अनुजा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता एवं सांसद आनंद शर्मा ने कहा है कि मंडी लोकसभा उपचुनाव भाजपा की सोच का भ्रम तोड़ देगा। कुल्लू में शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में आनंद शर्मा ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार से जनता कितनी परेशान है, यह संदेश मंडी उपचुनाव से जाएगा। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। भाजपा अपने झूठे वादे का कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। देश का कोई शहर ऐसा नहीं है जहां पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर नहीं पहुंचा है। वहीं बता दें कि पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर से मोदी सरकार लाखों करोड़ की मुनाफाखोरी में जुटी हुई है। कुल्लू मनाली के पर्यटक के साथ महंगाई का असर किसानों बागवानों पर भी पड़ रहा है। मोदी सरकार की नाकामी से गरीब और भी गरीब हो रहे हैं। पूर्व में यूपीए सरकार में देश की जीडीपी 4 गुना बढ़ी थी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और कोरोना काल में लोगों की कोई मदद नहीं हुई है। कई देशों ने अपनी जीडीपी का 10% खर्च किया है, मगर मोदी सरकार जीडीपी की 1% भी राहत नहीं दे पाई है। इस मौके पर कर्ण दलाल, कुलदीप शर्मा और भी कई नेता उपस्थित थे। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।